हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स. स्टूडेंट्स, आई एम चंचल, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर रीडिंग ऑफ द लेसन थर्ड, तारोज रिवॉर्ड फ्रॉम बुक हनी सकल. ओपन पेज नंबर 29 इन द बुक. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थाटफुल एंड लविंग सन. ये कहानी है जो वो एक बड़े ही समझदार और प्यारे बेटे की है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज. वो बहुत मेहनत करता है अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए. एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और फिर उसको कुछ हट के कुछ सहायता मिलती है अनएक्सपेक्टेड, जो उसने कभी सोची नहीं होती. लेट्स स्टार्ट रीड द चैप्टर. तारोज रिवॉर्ड. रिवॉर्ड क्या होता है बेटा? इनाम मिलना किसी चीज़ का. अ यंग वुडकटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. एक यंग वुडकटर. वुडकटर क्या होता है? लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काटता है. वो जिसका नाम तारो था, वो अपने माता पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी पे रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था. चॉप्ड का मतलब है कट करना, काटना. दो ही वर्कड वेरी हार्ड. जबकि वो बहुत मेहनत करता था. ही अर्नड वेरी लिटल मनी. उसको बहुत कम कमाई होती थी. दिस मेड हीम सैड. इस बात से वो उदास रहता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन. क्योंकि वो एक समझदार बेटा था. एंड वॉन्टेड टू गिव हीज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडेड. और अपने माता पिता को वो उनकी ज़रूरत की हर चीज़ देना चाहता था. वन इवनिंग वेन तारो एंड हीज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़े के एक कोने में बैठे थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. बहुत तेज़ हवा चलने लगी. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. तो वो हवा थी जो वो आवाज़ कर रही थी. उसकी जो साउंड थी, आवाज़ थी हवा की, वो झोंपड़े के कहाँ से आ रही थी? क्रैक्स, उसमें जो छेद हुए हुए थे झोंपड़ी में, उनमें से उसकी आवाज़ आ रही थी. एंड फेल्ट एवरी वन वेरी कोल्ड. और सबको बहुत सर्दी महसूस हो रही थी. सडनली तारोज फादर सैड. अचानक तारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. काश मुझे एक कप सेक मिल जाता. तो सेक क्या है बेटा? इट्स अ ड्रिंक, पॉपुलर जैपनीज ड्रिंक. जापान में रहने वाले लोगों का पॉपुलर ड्रिंक है. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. इससे मुझे गर्मी मिल जाती और मेरा जो बुढ़ा दिल है उसको कुछ अच्छा महसूस होता. दिस मेड तारो सैडर एंड सैडर देन एवर. इस बात से तारो था जो वो पहले से भी ज़्यादा उदास हो गया. क्योंकि जो अब दिल को गर्मी देने वाली वो ड्रिंक थी सेक, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगी थी. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. वो बहुत महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी? तो वो सोचने लगा कि मैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई गेट अ लिटल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए कैसे वो थोड़ी सी ड्रिंक है जो सेक है वो कैसे लेके आऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. अब उसने पहले से भी ज़्यादा और मेहनत करने की ठान ली. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हीज वे टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह तारो था जो वो अपने बिस्तर से बहुत जल्दी उठ गया, रोज से भी जल्दी. एंड मेड हीज वे, और जंगल की तरफ निकल पड़ा. ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट एज सन क्लाइम्ड. सूरज के उगने के समय तक वो लकड़ियाँ काटता ही रहा और काटता रहा. एंड सून ही वो सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और जल्दी ही उसको इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको अपनी जैकेट थी जो वो उतारनी पड़ी. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसका मुंह सूख रहा था. एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. और उसका चेहरा था जो वो पसीने से, स्वेट होता है पसीना, पसीने से गीला हो गया था. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज अ वार्म एज आई. मेरे बेचारे बूढ़े पिता, काश उनको भी मेरी तरह ही गर्मी मिल पाती. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. अब ये सोचते ही उसने और लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया
ताकि वो एक्स्ट्रा पैसे थे जो वो कमा सके और अपने बूढ़े पिता की हड्डियों के लिए वो सेक ड्रिंक है जो वो ला सके। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, फिर अचानक तारो ने लकड़ियाँ काटना बंद किया। बट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, ये कैसी आवाज़ थी जो उसको सुनाई दी? कुड इट पॉसिबली द रशिंग वाटर? तो उसने सोचा क्या ये ऐसा हो सकता था, क्या ये सच में ऐसा ही है कि उसको बहते हुए पानी की आवाज़ सुन रही थी? तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग द रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि तारो ने पहले कभी भी वहाँ जंगल के उस हिस्से में पानी के बहने की आवाज़ नहीं सुनी थी। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब उसके हाथों से कुल्हाड़ी थी जो एक्स थी वो छूट गई और वो उस आवाज़ की दिशा में चलने लगा। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तारो ने देखा कि एक पहाड़ी के पीछे बहुत ही सुंदर सा पानी का झरना था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड लिटल इन हिज हैंड्स, अब घुटने टेक के, नीलिंग का मतलब है जिस जहाँ पे वो पानी बह रहा था चुपचाप से, उस जगह पे उसने घुटने टेके और उसने क्या था अपने हाथों का एक कप सा बना के अपने उसमें थोड़ा सा वो पानी लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने उसे अपने होंठों से लगाया। वॉज इट वाटर, क्या वो पानी था? और वॉज इट सेक, या फिर वो सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसे दोबारा उसका स्वाद चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार उसको वो सेक ही मिला, वो स्वादिष्ट सेक पानी की जगह पे। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम, तारो ने अब जल्दी से अपना पिचर, क्या होता है बेटा पिचर, एक घड़ा सुराही टाइप होता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो उसने अपना घड़े में वो जल्दी से सेक था जो वो भर लिया। एंड हरीड होम, और दौड़ के घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, वो बुढ़ा आदमी था जो वो बहुत खुश हो गया सेक को लेके। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, तो सिर्फ एक घूंट भरते ही उस लिक्विड का, उस पेय का एक घूंट भरते ही वो आदमी था जो वो कांपना बंद हो गया। एंड डिड अ लिटल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो अपने हट के बीचों बीच खड़े होके वहाँ डांस करने लगा, नाचने लगा। ओके बेटे, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।